फ्लिपकार्ट वालों ने तो हालत ही ख़राब कर दी फ़ोन कर करके। एड्स आते थे ठीक था, कोई इशू नहीं है। अब उनको पता नहीं कहाँ से नंबर मिल जाते हैं एंड उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया है, ठीक है। एंड दे ट्राइंग टू कन्विंस मी कि आप हमारे फ्लिपकार्ट कस्टमर सर्विस में काम कर लें, लाइक लिटरली। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं करता है एंड डिले होता है डिलीवरी में तो हम कस्टमर सर्विस पे कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैं वो करूं एंड जो मैक्सिमम टाइम होता है हमारे साथ कि हम कस्टमर सर्विस को कॉल करते हैं, गाली देते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इंजीनियर नहीं आया है ठीक करने के लिए, मैं नहीं गाली सुन सकता रहने दो भाई। तो ये देख रहे हो फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में क्या डिफाइन हुआ है, होलेक्स चिकन फीस कॉटेज चीज़ मटन मिल्क कर्ड ऑर्गन मीट एट्सेट्रा। सेकेंड क्लास में दाल पल्सेस लेज्यूम्स स्प्राउट्स सोयाबीन नट्स। तो गाइस देख लिया नॉन वेज वालों के लिए कितना फ़ायदा है। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप बिल्कुल ले सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि एक वेजिटेरियन क्या करेगा, राइट। तो यहाँ यह है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स भी एडेड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको ग्लूकोज, जब वो ब्रेक होता है कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लूकोज मिलता है आपको। तो ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट्स एंड हैवी अमाउंट में ग्लूकोज बॉडी में लेना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में डिवाइड कर दिया है। अगर कोई कन्विंस हो जाता है, वेजिटेरियन भी अगर वो बॉडी बिल्डर या वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ नॉन वेज बेस्ड प्रोटीन मैं लूं एंड मैं इजीली और जल्दी अचीव कर लूं अपना गोल, बिल्कुल करें, कोई खराबी नहीं है। बट हाँ उन्होंने डिवाइड इसलिए कर दिया है क्योंकि यहां आपको गेन जल्दी मिलता है, यहाँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन में बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ इन जनरल कहने का मतलब है, और एक फायदा भी है नॉन वेज बेस्ड प्रोटीन में कि आपको जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है आपको आपके बॉडी में जो जाना चाहिए एवरी डे वो आपको नहीं मिल पाते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन में, जिसके कारण हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम बाहर से एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स लेते हैं एंड उसको फुलफिल करते हैं, दैट इज इवन ओके। बट जब हमें फूड सोर्स से मिल रहा है ये सारी चीजें जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है जो हमारे बॉडी में जानी चाहिए वो हमें नॉन वेज बेस्ड प्रोटीन से मिलते हैं, देन व्हाई नॉट नॉन वेज बेस्ड प्रोटीन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट में रेशियो में डिफाइन करें उसे, आप बिल्कुल इंटेक करें, क्योंकि बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट्स ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो आप उतना ही इंटेक करें जितनी आपकी बॉडी को नीड है, जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड है उससे ज़्यादा ना करें। ये सारे ज्ञान तो ठीक हैं बट एक नॉन वेजिटेरियन भी करे क्या, वो अपने घर में डेली नॉन वेज नहीं खा सकता है। चलिए मैं मान लूँ मैं खा लूँगा, मैं हर दिन लाऊँगा, मैं बनाऊँगा, मैं खा लूँगा, बट घर में बाकी लोग भी होते हैं, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे होंगे गाली कि डेली चिकन खाता है, डेली मटन खाता है, ये पता नहीं ग्रीन वेजिटेबल्स तो इसको खाने ही नहीं है, फलाना ढिकाना। उनका कहना भी सही है, डेली घर में नॉन वेज आना वो उनका उनका थॉट है, ठीक है, उस सब चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ता है, एवरीथिंग इज फाइन। गाइस दिस इज द प्लेस वेयर आई स्टे, आप देख रहे हो, मतलब यहाँ से अब देखो बस मेरा घर किस जगह पे है ना, पहाड़ 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 हर जगह है ना, ये
ये हम पूरे पहाड़ के बीच में घिरे पड़े हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये व्यू। डेली शाम में आओ, बैठ जाओ चेयर डाल के और नेचर का मजा लो बस। अब अभी दिख रहा होगा मे भी, चलो दिख नहीं रहा है। बहुत प्यारा व्यू है। तो आज का एंड मोरल मैं आपको बता दूं, मेरा मोरल कि मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहा। मुझे सारे प्रोटीन सोर्स नॉनवेज से ही चाहिए, सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी फुलफिल हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स चाहिए तो डू कमेंट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। थैंक यू।